अभी हम शुरू कर रहे हैं ट्रॉपिज्म डिटेल्स में। तो ट्रॉपिज्म को बताया हमने मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, इसको हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। इसके डिफरेंट 5 टाइप्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म पहले इसे समझिए क्या होता है। जैसे ये प्लांट है, इसको हमने लगाया हुआ है, ये एक नॉर्मल ग्रोथ स्टेट ग्रो कर रहा है, नॉर्मल स्टेट है, लेकिन अगर इसको किसी ब्लैक बॉक्स में रख दिए या किसी एक साइड से अगर लाइट आ रही है, जैसे कहीं विंडो के साइड से लाइट आ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा फूड बनाना चाहेगा और इस एक्टिविटीज में ये अपने पूरे बॉडी को बेंड कर जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ महीनों में ये पूरे पूरा बेंड कर जाएगा सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा खाने बनाने के लिए। तो ये जो आया ये लाइट के साइड में गया, तो इसको कहेंगे फोटो। फोटो मीन्स लाइट और ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। तो ट्रॉपिज्म जो हुआ ये इसके ऊपर डिपेंड किया और ये बन गया फोटोट्रॉपिक। अगर हम इस प्लांट को, ये जनरल था, इसको हम अगर देखेंगे तो इसकी रूट्स एकदम बिलो होंगे, मीन्स नीचे अपोजिट। लेकिन ये जो गया सनलाइट, इस केस में जब इस प्लांट को हमने निकाला, तो हम इसे जब निकालेंगे तो देखेंगे कि रूट्स जो नीचे था, अब उसकी रूट जो है अवे फ्रॉम सनलाइट है, मीन्स सिग्मॉइड कर्व बनेगा ऐसे। अगर ये जाएगा लीफ सनलाइट की साइड, तो सनलाइट के अपोजिट जाएगा। तो चूंकि ये फोटो लाइट है, लाइट के पॉजिटिव साइड में शूट जा रहा है, तो शूट हो जाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और जो रूट हो जाएगा वो हो जाएगा निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो इसको डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट। इसके लिए पॉजिटिव भी हो जाएगा, लाइट भी जाएगा, और निगेटिव अवे फ्रॉम लाइट। अवे फ्रॉम लाइट मीन्स अपोजिट, तो अपोजिट गया हमारा रूट्स और पॉजिटिव शूट, ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आता है सिमिलरली जियोट्रॉपिज्म, और जियो मीन्स ग्रेविटी और ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। तो इस केस में हमारा जो स्टिमुलाई होगा, जो यहां हमने बताया था, जो एक चेंज करेगा इस प्लांट के बॉडी के अंदर चेंज करेगा, वो स्टिमुलाई ग्रेविटी होगा। तो ग्रेविटी में अब निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव है ग्रेविटी के साइड में या पॉजिटिव के साइड में, तो अगर पॉजिटिव की साइड होगा तो उसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, और अगर वो निगेटिव होगा तो उसे कहेंगे अवे फ्रॉम ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की साइड में ये जा रहा है रूट, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रूट होगा, वाइल जो शूट जो होगा वो अवे फ्रॉम ग्रेविटी होगा, इसलिए जो शूट होगा वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, इस केस में हमारा जो ट्रॉपिज्म है यानी मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, वो होगा वाटर, और वाटर होगा स्टिमुलाई इस केस में। इसको हम बेटर एग्जांपल समझते हैं, ये ट्री है और ट्री किसी एक रीजन में ग्रो किया हुआ है, जिसके बगल में किसी छोटा सा पॉन्ड है, और पॉन्ड है तो स्टार्टिंग में तो ये सही रहेगा, लेकिन जब इसके जो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगी तो ये अपने बॉडी को मॉडिफाई करेगा, और ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वाटर को ले ट्रैप करने के लिए, अपने रूट्स को एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स वाटर। ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रूट्स जब भी होगी वो होंगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इसमें सेम डेफिनेशन सब वही करना है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर। अगर वो वाटर के साइड आएगा तो पॉजिटिव, अदरवाइज निगेटिव। थिग्मोट्रॉपिज्म, इसका जो डेफिनेशन होगा, थिग्मो मीन्स टच, इसका जो डेफिनेशन होगा सेम वही होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच, आइदर अवे फ्रॉम टच और टुवर्ड्स द टच। इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल है लाजवंती का प्लांट, और इसे कहते हैं छुई मुई।
अगर छुई मुई जो अगर इसका बोटेनिकल और साइंटिफिक नेम देखें तो मिमोसा पुदिका, मिमोसा पुदिका, और इसे लिखने के बाद अंडरलाइन करना है। और इसका जो कैपिटल होगा ये कैपिटल एम होगा, जबकि स्मॉल ये पी होगा। इसको सही तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बताया गया है। तो ये जो साइंटिफिक नेम है ये लाजवंती या छुई मुई का है, और इसको जब भी लिखना है सेपरेशन करके लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है। तो ये हमारा हो गया छुई मुई। जैसे ही छुई मुई के प्लांट को आप टच करते हैं उसमें ड्रुपिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, पत्ते मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसमें जो फैक्टर है स्टिमुलाई वो होता है टच, और इसी टच के कारण उसमें चेंज आता है। अगर एक दूसरा एग्जांपल देखें तो टेंड्रिल प्लांट, जैसे जैसे टेंड्रिल जिसमें होते हैं, टेंड्रिल कहते हैं किसी प्लांट में स्पाइरल शेपेड स्ट्रक्चर होता है, जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। अगर इसके बगल में हमने एक सपोर्ट डाल दिया, सपोर्ट कोई भी हो सकता है, ये सपोर्ट आया, तो इस प्लांट का जो टेंड्रिल है ऑटोमेटिकली सपोर्ट के साइड में चले जाएगा। आपको बताना नहीं होगा, टेंड्रिल को पकड़ के यहां तक नहीं लाना होगा, उसमें ऑटोमेटिक टेंडेंसी होती है, वो ऑटोमेटिक इसमें जाएगा और इसमें जाके उसमें स्पाइरली अटैच हो जाएगा सपोर्ट के साइड में। तो ये आ गया थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट केमोट्रोपिज्म, हियर द स्टिमुलाई इज केमिकल सब्सटेंस एंड द पोर्शन वेयर केमिकल इज प्रोड्यूस्ड इट विल रेस्पॉन्स टू दैट पार्ट। अगर इसको हम देखें केमोट्रोपिज्म, तो इसका है केमिकल स्टिमुलस, मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एनी केमिकल सब्सटेंस, दैट इज नोन एज केमोट्रोपिज्म। इसमें जो एग्जाम्पल लेंगे हम उसको देखते हैं इस पोर्शन से, कार्पेल से, इसे कहते हैं स्टिग्मा, ये जो बीज का पोर्शन है स्टाइल, और इसे कहते हैं ओवरी, ये प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो बॉडी प्लांट के बीच फ्लावर के अंदर पाया जाता है, इसको हमने शॉर्ट बनाया है। और ये पॉलन ग्रेन बनाया, ये जो है पॉलन ग्रेन बनाया, और ये पॉलन ग्रेन जो मॉडिफाई करेगा, जैसे ही इस पे गिरेगा यहाँ पे वेलवेटी स्ट्रक्चर है जिसके कारण उसे स्टिकी है और वो चिपक जाएगा, चिपक के एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करेगा और एक पॉलन ट्यूब बनाएगा, इसे हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब फिर एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करेगा और ये जाएगा ओव्यूल में जो ओवरी के अंदर है। यहां हमने बेटर समझने के लिए एक ही ओव्यूल बनाया है, वैसे उसमें कई सारे हो सकते हैं, हो सकता है सिक्स भी हो, किसी में टू भी हो, किसी में थाउजेंड्स भी हो, तो ये डिपेंड करेगा ओवरी, लेकिन हमने इसको सुटेबल दिखाने के लिए केवल एक ओव्यूल दिखाया है। और ये गया इसमें जाके यहां इसका जो न्यूक्लियस है यहां से नीचे जाएगा, यहां से फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और ये फिर इसके अंदर इसकी वॉल को तोड़ के ये एक यहां जाके ये फ्यूजन बनाएगा। और इस तरह से जो बनाते हैं, जो हम चैप्टर में पढ़ते हैं बाद में, तो ये वाला जो टॉपिक है ये आ गया केमोट्रोपिज्म। तो ये इसमें स्टिमुलस क्या किया, यहां एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है मींस सुगरी और स्टार्ची मटेरियल है जो हमारे ओवरी से रिलीज हो रहा है, और यही इसको स्टिमुलेट कर रहा है पॉलन को अपना पॉलन ट्यूब बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और ये डिसेंड करके नीचे लाएगा। ये हमारे टॉपिक मूवमेंट हो गए। अब समझते हैं ये कारण क्या हुआ, इसको हम समझते हैं इसका रीजन क्या है। मोस्ट ऑफ में यहां पे जो आया ऑक्सिन था, तो ऑक्सिन जब भी ग्रो करता है, इसमें हमने बताया था ये जब भी ग्रो करेगा डार्क साइड ग्रो करेगा, यहां सनलाइट है तो ये सनलाइट इसे पड़ेगा, तो इसका जो डार्क साइड है इस डार्क साइड में ऑक्सिन पाया जाता है, जब भी ऑक्सिन मिलेगा ये डार्क साइड में ही मिलेगा, प्रोड्यूस होता है टिपिकल एपिकल रीजन में, लेकिन जब भी पाया जाता है ये माइग्रेट करते रहता है। अगर यही सनलाइट अगर इधर चला गया तो ये शिफ्ट होकर उधर चले जाएगा और ये यूनिफॉर्म ग्रोथ को बनाएगा, लेकिन अगर हम समझते हैं सिंपल एक ही साइड में सनलाइट आ रहा है
तो ये जो ऑक्सीजन है इस पोर्शन को जैसे हम इसको समझ रहे हैं, इसमें इस पोर्शन में डार्क है, इसमें लाइट है। तो अगर इसमें डार्क है, ये वाला पोर्शन डार्क है, तो इसमें इलोंगेशन करेगी और ये इलोंगेशन ये अपना चाहेगा लंबा इंक्रीज करना है हाइट को, लेकिन ये जो पोर्शन है ये नहीं इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये बेंड कर देगा, ये इसको पकड़ के से पकड़ा रहेगा, जाने नहीं देगा और इस कारण ये बेंडिंग हो जाएगी और यही इसको इंक्रीज करता है लेंथ में या बेंडिंग ऑफ टिप को। और यही फिर देखेंगे हम थोड़ी देर बाद ये मॉडिफाई होके ये एक साइड बेंड कर जाएगा। सेम इसी केस को अगर हम देखें थिग्मोट्रोपिज्म में, तो थिग्मोट्रोपिज्म में वही काम करता है, जैसे यहां टच आया तो जस्ट अपोजिट साइड में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा जो ग्रोथ हार्मोन है और ये फिर डेवलप करेगा, लेकिन जैसे ही इस टच की जगह आया तो फिर ये दूसरे साइड शिफ्ट हो गया और फिर वो अपने इसी तरह से वो करते करते वो स्पाइरल स्ट्रक्चर बना लेगा, जब भी होगा अपोजिट साइड में ही ये जाएगा और इस तरह से वो एक्सटेंड करेगा, अटैच कर लेगा। थैंक यू।